हेलो स्टूडेंट्स, तो आज के इस वीडियो में उस क्वेश्चन पे मैं डिस्कस करने वाला हूँ जिसको पूरे यूट्यूब पे आउट ऑफ सिलेबस बता दिया गया है। उन्होंने इस चीज़ की थोड़ी भी कदर नहीं करी कि ये अगर ये एडिशनल सिंपल क्वेश्चन पेपर है तो क्या पता कुछ चीज़ें हटके लगाई गई हों, और उन्होंने उसी ट्रेंड से सॉल्व किया है जैसे हम पहले करते थे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाला कॉन्सेप्ट लगा करके, जो आउट ऑफ सिलेबस है। तो देखो, मैं फिर बोल रहा हूं, आप जितना यूट्यूब से सीखते हो, अगर आप सेल्फ स्टडी करते ना तो शायद उससे कहीं ज्यादा सीख जाते हो, और उतने उससे कहीं दो गुना, चार गुना, दस गुना आपको कॉन्फिडेंस आता। लेकिन आप यूट्यूब की पढ़ाई पढ़ पढ़ के ना अपने कॉन्फिडेंस को खत्म करते जा रहे हो, तो प्लीज सेल्फ स्टडी पर ज्यादा फोकस करें आप, नहीं तो इस तरीके की चीज़ें होती रहेंगी। शायद इस चीज़ को खुद से पढ़े होते ना तो अपना दिमाग लगा पाए होते कि नहीं, इस क्वेश्चन को हम ऐसे भी कर सकते हैं। इस तरह की पढ़ाई बाबू आपको एग्ज़ाम में पास तो करवा देती हैं, लेकिन आप लाइफ में कभी पास नहीं हो पाओगे। तो ये ध्यान रखना, लाइफ में अगर पास होने हैं तो आपको सेल्फ स्टडी और सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ज़रूरी है। खुद का एक मेथड होना चाहिए ज़िंदगी जीने का, ठीक है, किसी भी क्वेश्चन को करने का। अब यहाँ पे देखो, इस क्वेश्चन को हम डील करेंगे एक्सरसाइज 8.1 का जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है, हम उससे डील करेंगे। देखो कैसे, उस क्वेश्चन में ये दे रखा है पी क्यू आर, ये 12 है, ये 13 है, ठीक है, और आपसे पूछा गया है 10p माइनस कॉट आर, ठीक है बेटा, ये पूछा गया है। तो 10p के लिए क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर का काम ये करेगा, और बेस आपका 12, सॉरी पी आर पी क्यू लिख देता हूँ, है ना, पी बाई बी होता है ना। कॉट आर के लिए बी अपॉन पी होता है, तो इस केस में क्यू आर अपॉन में ये आपका हो जाएगा पी क्यू, ठीक है, पी अपॉन में, सॉरी बी अपॉन में पी, क्लियर। इसकी वैल्यू अगर फाइंड कर लो तो ये वैल्यू पुट कर सकते हो, हालांकि ये दोनों इक्वल दिख रहे हैं आपको, है ना। तो यहाँ से आपको एक चीज़ देखने को तो मिला ना, क्या कि 10p और cot r जो है बेटा वो इक्वल है। और क्या मैं बोल सकता हूँ कि p और r का जो सम है वो 90 डिग्री है? क्या आपको इतना नहीं सोचना चाहिए, नहीं सोच सकते, ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत है क्या? बिल्कुल नहीं। ऐसे ही आपको अगर मैं cosec r और sec p दे दूं, फाइंड करो जरा, कैलकुलेट करो फटाफट, ऐसे ही आप sin p और cos r, मतलब इसको उलट सकते हो, है ना, यहाँ पे p लिख सकते हो, यहाँ r लिख सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। आप करके देखो, आप करके देखो तो सबका रिजल्ट एक ही मिलने वाला है, वो 0। इसका मतलब ये है कि हमने इस क्वेश्चन से जो सीखा हम यहीं पे किया और उसको यहीं पे भुला दिए, इसको आगे ले नहीं गए। तो लगता नहीं कि आप जो सीख रहे हो उसके साथ चीट कर रहे हो? क्या इस कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल हम किसी और क्वेश्चन के लिए नहीं कर सकते? जरूरी है हमें बार बार कॉम्प्लीमेंट्री वाला वो मेथड यूज करना पड़े? नहीं ना, एग्जैक्टली यहां पे भी वही मेथड आप इंप्लीमेंट करोगे। और देखो कैसे, यहां पे कॉसेक थीटा जो है, कॉसेक थीटा यानी 35 जो दे रखा है बेटा, देखना, वो दे रखा है आपको पी। अगर मैं इसमें 35 रखूं तो सेक 90 माइनस 35, ये किसी ने फाइंड ही नहीं किया, ये हो जाएगा आपका, ये दे रखा है 1.7, और बेटा ये हो जाएगा sec 55। और ज़रा चेक करो, 55 और 35 इन दोनों का जो सम है वो 90 डिग्री है। और जब ये 90 डिग्री है, इसका मतलब ये हुआ कि cosec 35 इक्वल टू है sec 55, और जब ऐसा है तो यानी p इक्वल टू 1.7। एग्जैक्टली सेम तरीका आप इस चीज़ के लिए कर सकते हो, cosec 65 दे रखा है 1.1, और sec 90 माइनस 65 करोगे
और ये वैल्यू है क्यू, तो ये 25, और बेटा बताना sec 25 यानी 25 और 65 इन दोनों का सम 90 डिग्री नहीं होगा। जब 90 होगा तो यानी cosec 65 और sec 25 इसकी वैल्यू इक्वल होंगे q इक्वल टू 1.1। बेटा ये वो चीज़ नहीं है, प्लीज बातों को समझो कि रट्टा मार मार करके आप चीज़ों को करो। बता देना कि अगर ये चीज़ यहाँ से नहीं ली गई है तो ये भी मुझे कमेंट में ज़रूर बताना आप। कि क्या अगर इस तरह के क्वेश्चंस दिए जाएं और थोड़ा सा इसमें उसमें एडवांस थिंकिंग लगानी पड़े तो मैं बोल दूंगा कि ये क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस है। आप नहीं कर पा रहे हो तो क्लियरली बोलो। सोचो एक स्टूडेंट के दिमाग में भी ये चीज़ें भर दी गई ना। कोई बात नहीं, अगर आपके डाउट्स हों तो प्लीज़ कमेंट में और भी बताएं आप, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए कॉन्सेप्ट के साथ।